आज मुझे घर पे चाइनीज बनाना था, लेकिन घर पे ब्रेड्स भी पड़ी थी, सो मैंने बना दिया ये चाइनीज ब्रेड रोल्स। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगते हैं पार्टी स्टार्टर में, या तो फिर बच्चों को स्नैक्स या टिफिन में भी दे सकते हैं। सो चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पैन या कढ़ाई लेंगे, जिसमें 2 टेबलस्पून तेल ऐड करके इसमें थोड़ा सा चॉप किया हुआ गार्लिक और चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। इसे सिर्फ आधा मिनट के लिए अच्छी तरीके से सौते कर लेंगे। देन इसमें ऐड करने वाले फाइनली चॉप की हुई पत्ता गोभी, ग्रेट किया हुआ गाजर एंड चॉप किया हुआ कैप्सिकम। इसमें आप चाहे तो ऑनियन भी ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से हाई फ्लेम में 2 मिनट के लिए सौते कर लेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करना है। देन इसमें ऐड करने वाले हैं 2 टेबलस्पून जितनी शेजवान चटनी, सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून एंड 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर एंड इसी के साथ स्वाद अनुसार जितना नमक ऐड करेंगे। ये जो हम स्टफिंग बना रहे हैं वो थोड़ी सी स्पाइसी बनाइएगा, क्योंकि स्पाइसी खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इसे अभी हम लोग एक बार अच्छी से मिक्स कर लेंगे। देन इसमें हम ऐड करने वाले थोड़े से उबले हुए नूडल्स, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो नूडल्स को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चाइनीज़ खाओ और नूडल्स ना हो तो ये हो ही नहीं सकता। सो मैंने थोड़े से नूडल्स को भी ऐड कर दिए। इसका मैंने अच्छी तरीके से हाई फ्लेम में सौते कर लिया एंड यहाँ पे ये हमारी जो स्टफिंग है वो बन करके रेडी हो जाती है। इसे हम लोग हल्का सा ठंडा करने के लिए साइड में रख देते हैं। तब तक क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने ब्रेड्स के कॉर्नर्स को अच्छे से कट कर लिया, ये देखिए कुछ इस तरीके से साइड के कॉर्नर्स को कट कर लेना है। देन उसके ब्रेड क्रम्स बना लीजिएगा। देन इसको हम लोग बेलन की मदद से रोल कर लेंगे, एकदम दबा के मस्त से इसको रोल कर लीजिएगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से पतला पतला हमें रोल कर लेना है, ये देखिए इस तरीके से आपको पतला पतला बेल लेना है। अभी हमने जो स्टफिंग बना करके रखी थी वो ठंडी हो गई है, इसके ऊपर हम लोग 1 चम्मच जितनी स्टफिंग को रख देंगे एंड अभी इसको रोल कैसे करना है वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों को ये पानी लगा देना है इसके सारे कॉर्नर्स में। मैं आपको 2 तरीका बताऊंगी, 2 तरीके से आप लोग इसे रोल कर सकते हैं। ये पहला तरीका है जिसमें मैं सारे साइड के जो कॉर्नर्स है उसमें अच्छी से हल्का हल्का पानी लगा रही हूँ। स्टफिंग को हम एक साइड कर देंगे एंड इसको हम रोल करेंगे कुछ इस तरीके, सिर्फ एक बार इसको रोल कर देना है। सारे कॉर्नर्स को हम लोग सील कर देंगे, थोड़ा पानी है इससे ये चिपक जाएगा एंड ये जो है वो रेडी हो जाएगा। दूसरा तरीका बताती हूँ जिसमें हम लोगों को ब्रेड को एकदम अच्छी तरीके से रोल कर लेना है सबसे पहले। देन क्या करेंगे, इसके ऊपर हम हल्का हल्का पानी ऐड कर देंगे पूरे ब्रेड की स्लाइस के ऊपर, ज़्यादा पानी मत ऐड करना, एकदम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको दबा देंगे। देन इसके ऊपर हम अच्छी सी खासी 1 टेबलस्पून जितनी स्टफिंग भर के इसको फोल्ड करके सारे को सील कर देंगे एंड ये रेडी हो जाएगी। सो आप लोग ये दोनों तरीके से बना सकते हैं। अभी हम लोग एक स्लरी बनाते हैं, जिसके लिए यहाँ पे मैंने मैदा लिया है। इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर, नमक एंड थोड़ा सा पानी एंड इसे एक ही डायरेक्शन में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सो पानी थोड़ा कम था तो इसमें मैं और थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ एंड इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। एंड आपको ये जो स्लरी है वो एकदम मीडियम थिक कंसिस्टेंसी की चाहिए, ना तो ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा गाढ़ी। इसमें हम लोग ये जो ब्रेड के हमने पॉकेट्स बना करके रखे थे वो डीप कर देंगे। देन इसको हम लोग कोट करने वाले हैं ये ब्रेड क्रम्स के ऊपर, जो साइड के कॉर्नर्स थे ना उसी का मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिया। सो आपका जो साइड के कॉर्नर्स हैं वो भी वेस्ट नहीं होंगे। अच्छी तरीके से इसको मैंने कोट कर लिया है एंड ये रेडी हो गया। इसको हम लोग करने वाले हैं फटाफट से फ्राई। सो गर्म कर लीजिए तेल को, गर्म तेल में इसको फ्राई करेंगे उलट पुलट करके, जब तक ये एकदम परफेक्ट गोल्डन ब्राउन एंड क्रिस्पी ना हो जाए। सो इसमें अगर आपका स्टफिंग जो है वो थोड़ा सा स्पाइसी होगा तो मज़ा आएगा, क्योंकि ब्रेड थोड़ी सी फीकी ही रहती है तो अंदर जो स्टफिंग है वही खाने का मज़ा आएगा। सो स्पाइसी बनाना, ये देखिए एकदम परफेक्टली गोल्डन ब्राउन एंड क्रिस्पी हो गया है। तो इसको हम लोग निकाल देंगे टिश्यू पेपर के ऊपर, जिससे कि जो एक्सेस ऑयल है वो भी निकल जाएगा एंड इसको आप गर्मा गर्म सर्व करें। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट आता है इसका। इसको आप शेजवान चटनी, टोमेटो केचप या ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें। सेव कर लो रेसिपी को, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो, घर पे बनाओ, मस्त मस्त खाओ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।